आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपेक कॉरिडोर के बारे में। आप सभी को मालूम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपेक कॉरिडोर, ठीक है। तो इसका चाइना से और पाकिस्तान से क्या रिलेशन है और इंडिया में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने बात की है सीपेक कॉरिडोर की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले जानते हैं। इसका मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक जो एक मार्ग बनाया गया है उसको यहाँ पर नाम दिया गया है सीपेक का, ठीक है। अब देखो सीपेक का मतलब यहाँ पर जो है ये है कि चाइना, देखो चाइना के जो सीपेक कॉरिडोर है ये पहली बात तो किसके अंदर में है, ये किसका प्रोजेक्ट है, BRI का, यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, क्या है, इनिशिएटिव, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था चाइना के द्वारा, इसको कब लॉन्च किया गया था 2013 में, और इसी BRI प्रोजेक्ट के अंदर सीपेक को लॉन्च किया गया 2016 में, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है कि चाइना ने इसका एम ये रखा है कि हर एक जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, इन दोनों को छोड़कर हमें जितने भी कॉन्टिनेंट यहाँ पर हम जैसे अफ्रीका देखते हैं, एशिया देखते हैं, इनको आपस में रोड के थ्रू क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये क्या है अफ्रीका है, ठीक। यहाँ पर मान लिया हमने अफ्रीका है, ये पूरा क्या है एशिया, ऊपर का क्या है यूरोप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एशिया का आता है, यहाँ पर क्या है इंडिया है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर क्या है, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर है चाइना, ठीक। चाइना ने पूरा इस तरीके से इसको जोड़ा है, यहाँ से इसको पूरा जोड़ते हुए यहाँ पर क्या मालदीव्स है, बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या है भारत, किधर क्या है श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है मालदीव से, ये क्या है पाकिस्तान है। तो सारे जो यहाँ पर देखो बांग्लादेश को जोड़ा चाइना ने, इधर से बांग्लादेश को जोड़ा, म्यांमार को जोड़ा, श्रीलंका को जोड़ा, मालदीव को जोड़ा है। अब इधर से अब इसके पास यहाँ तो रास्ता है नहीं, अब ऊपर से चाइना ने पाकिस्तान को जोड़ते हुए यहाँ पर लाके अरब सागर में इनको जोड़ दिया है। और इसका क्या एक एम क्या है, भारत को यहाँ से भारत के नीचे नीचे से चारों तरफ इसको घेरना, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो चाइना का ये प्रोजेक्ट है इसको हम कहते हैं मोतियों की माला, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स। क्या नाम है इसका, स्ट्रेटजी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी कि मोतियों की माला, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन में आया तो एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्ट्रिंग ऑफ पल नाम की पॉलिसी है वो कौन से कंट्री की है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो किसकी है, चाइना की है, चाइना की है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में यानी कि इसके विरुद्ध में इंडिया की कौन सी स्ट्रेटजी है, उसका नाम क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड, क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समझा हमने यहाँ पर सीपेक कॉरिडोर का मतलब यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम आर्थिक कनेक्टिविटी देंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि चाइना की हमेशा एक पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी, यानी कि हमेशा क्या करता है चाइना लोन देता है, कर्ज देता है, और इतना ज़्यादा कर्जा होता है कि अगला जो कंट्री होगा उसको चुका नहीं पाता है। ऐसे ही यहाँ पर चाइना ने सारे को जोड़ा है। जैसे देखो यहाँ पर क्या कोको आइलैंड है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। कोको आइलैंड को इसने जोड़ा है, यानी कि कैसे जोड़ा होगा, जो है ऋण देकर जोड़ा होगा, है ना। अब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अगर हम कहें कि लंका में तो हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट को भी इसने जोड़ लिया, मालदीव में माले को जोड़ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है यहाँ पर क्या है, ग्वादर पोर्ट है, क्या है, पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट, नाम याद रखिएगा आप लोग, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। इनको इसने जोड़ लिया, सारे को जोड़ के इनका एक मिक्स मकसद ये हो जाएगा, ये है भारत, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है अरब सागर है, ठीक है, क्या है अरब सागर, ठीक। अब इनको चारों तरफ से यहाँ पर क्या है इंडियन ओशन है ना, ये क्या है इंडिया का पेनिनसुला है। तो चारों तरफ इंडिया, चाइना चाहता है कि हम चारों तरफ से इंडिया को इस तरीके से कवर करें ताकि हम उस पर हर एक प्रॉपर नज़रों को बनाकर रख सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से सीपेक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर सीपेक का ये मतलब हो गया कि हमें पाकिस्तान में जो है हम पाकिस्तान को प्रॉफिट देना चाहते हैं, लेकिन इसका चाइना की तरफ से ये उद्देश्य था, लेकिन इसका उद्देश्य रियलिटी ये नहीं है।
इंडिया को चारों तरफ से अपने अंदर में लेना, अपने उस पर नजर बनाए रखने के लिए यहाँ पर सीपेक का आइडिया आया है चाइना के पास में, और ये कब आया था 2016 में, ठीक है। और BRI प्रोजेक्ट कब आया था 2013 में, इसी के अंदर सीपेक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप अच्छे से समझा होगा कि सीपेक क्या है, BRI प्रोजेक्ट क्या है। अब आपसे BRI प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि BRI प्रोजेक्ट कौन से महाद्वीप को कवर नहीं करता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका सभी को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों के पास ही कवर नहीं करता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका इन सभी को आपस में जो क्या है ये जोड़ रहा है, ठीक है। और क्या है, लैंड रूट है, ठीक है, यानी कि समुद्री मार्ग नहीं है, यहाँ पर जमीन से हम सड़क को बनाकर यहाँ पर सारे को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर लॉन्च किया गया था सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो मुद्दा है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे क्वेश्चन है कि आप हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, पाकिस्तान के नए PM अपॉइंट किए गए हैं तो उनका नाम क्या, अभी तक तो इमरान जी थे आप सभी को मालूम होगा, लेकिन अब दूसरे वहां पर PM बनाए गए जिनका नाम क्या है, शहबाज, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, शहबाज शरीफ, ओके। तो नए जो पाकिस्तान है उसके नए जो प्रधानमंत्री हैं वो ये हैं, ठीक है, इमरान खान जी की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ओके। अब पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन, 1947 में इसको खींची गई थी भारत और पाकिस्तान को जब डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। तो पूरा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, अपने जो भी आपके थॉट हो उसको भी लिख सकते हैं आप लोग। और चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।